शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से कौन है इसके माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को ऐसी परवरिश दी है? ये समर की मम्मी है। आइए इंस्पेक्टर किरण माथुर। इन्होंने आपके बेटे समर के खिलाफ कंप्लेन किया है कि समर ने सिया के साथ स्कूल में बुली किया। समर, प्रिंसिपल मैम क्या कह रही हैं? नो मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। ये सिया तो उल्टा आपके बारे में बुराई करती है सबके सामने कि पुलिस वाले गंदे होते हैं। ये झूठ बोल रहा है। सिया, आपको पता नहीं है कि झूठ बोलना गलत बात है? आप अपने बेटे को समझाने की बजाय मेरी बेटी को डांट रही हैं। समर मेरा बेटा है और मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता। एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी आपको इस बच्चे का डर नहीं दिखता? जानती हैं आप, आपके बेटे की वजह से ही 2 दिन से मेरी बेटी स्कूल नहीं आ रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप कुछ ज्यादा बोल रही हैं मेरे बेटे और मेरे बारे में? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के लिए कह रही हूँ। उसे कोई डराए या धमकाए या फिर उस पर हाथ उठाए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। श्रद्धा, शांत हो जाओ, क्यों बात को बढ़ा रही है? अभय, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अगर आज इनके बेटे को नहीं रोका तो ये कल फिर से सिया को स्कूल में बुली करेगा। बस मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगी। समर, आप अभी इसी वक्त सिया को सॉरी बोलिए और बाद में सोचिएगा कि आपने कितना गलत किया है, और यदि दोबारा आपने ऐसी कोई भी गलती की तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। सॉरी सिया। सिया दी, आप डरो मत, अब हमने प्रिंसिपल मैम को समर के बारे में सब कुछ बता दिया तो समर आपको कुछ नहीं कर सकता। इस गलती की माफी तो ले ली, लेकिन जो गलत है ना उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। कीर्ति बेटा, हमें तो पता ही नहीं चला आप कब आए कल रात को। वैसे अच्छा हुआ कि आप सीधा इधर ही आ गए। वरुण कल रात को आपको लेकर बहुत परेशान थे, कुछ खाया भी नहीं इन्होंने। आप ये नाश्ता कर लीजिएगा और इन्हें भी खिला दीजिएगा, ठीक है? कीर्ति, कल मैं बहुत परेशान था तुम्हारे लिए, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। परेशान नहीं हुई तुम मेरे लिए? एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी? वरुण जी, माँ ने हम दोनों के लिए नाश्ता लाया, आप आकर खा लीजिए।
मुझे बिना बताए तुम राज के साथ दिल्ली चली गई। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीत रही होगी। अगर आपको यही सब बातें करनी थी तो हमें पहले बता देते। बहाना क्यों किया हा? हमें ऑफिस ना जाने देने का? क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कीर्ति कि मैं बहुत घबरा गया था तुम्हारे लिए, हमारे लिए। कीर्ति बहुत लोगों के लिए बहुत चीजें कीमती होंगी, लेकिन मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा कीमती हो। और अगर मैंने तुम्हें खो दिया ना तो मैं मर जाऊंगा कीर्ति, मैं मर जाऊंगा। हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। कीर्ति, तुम्हें इस तरह से अपने से दूर होते हुए नहीं देख सकता। हमारे बीच की इस दूरी को मिटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज की शाम मैं तुम्हारे लिए यादगार बना दूंगा और फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। छोड़िए, क्या हो गया आपको? तुम्हें क्या हो गया श्रद्धा? मैं तब से तुम्हें बोले जा रहा था कि बात को मत बढ़ाओ, पर तुमने जैसे जैसे ठान ही ली थी मेरी बात सुननी ही नहीं है तुम्हें। और वैसे भी तुम मुझसे बिना पूछे वहां क्यों चली गई अकेले? मुझे पूछा क्यों नहीं तुमने? सिया मेरी भी बेटी है। अब मैंने कितनी बार आपसे बात करने की कोशिश की लेकिन हर बार आपने मेरी बात काट दी। मैंने पर्चा भी बनाया था और आपकी फाइल में डाला था ताकि मेरी बात आप तक पहुंच पाए, सिया की तकलीफ आप तक पहुंच पाए। ये क्या है अभय? आपने इसे भी कचरा समझ के फेंक दिया? मैंने जानबूझ के अनदेखा नहीं किया है, वो तुम जानती भी नहीं हो। तुम्हारी इस हरकत की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। आज मीटिंग पे जल्दी जाने की जल्दबाजी में मैंने करती से मंत्री की गाड़ी को टक्कर मार दी। हम सब समझ रहे हैं, अगर ऐसी गलती आपने दोबारा की फिर मैं तो क्या, कहीं की पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी। बहुत मुश्किल से मैंने एक्सीडेंट के केस को बंद करवाया था, पर अब जैसे वो धमकी देकर गई है ना मुझे, वो मुझे छोड़ने नहीं वाली है। अब है एक जरूरी काम था, अंदर आऊं? आज जिस क्लाइंट से हमारी मीटिंग होनी थी उन्होंने हमें एक और मौका दिया है। क्या सच? और अब हमारी मीटिंग सीधा वो लंदन वाली इन्वेस्टर रागनी सिंघानिया से होगी। ये तो बहुत अच्छी खबर दी तुमने। मैंने आज दोपहर को हमारे यहाँ उन्हें खाने पे बुलाया है। इसकी तैयारी मैं खुद करूंगा, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और सोनिया, हमें खाने के मेन्यू की तैयारी कर लेनी चाहिए। हाँ, मैं देखती हूँ। हेलो, क्या हुआ भाई? सब ठीक तो है ना? बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जहाँ मुझे अभी लंच की तैयारी करनी चाहिए वहाँ मुझे पुलिस स्टेशन से बुलावा आ गया है। इंस्पेक्टर किरण माथुर मुझसे पूछताछ करना चाहती है। तो, अब
अब मैं भी चलती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम आगे मेरी बहुत मदद कर चुकी हो, मैं खुद देख लूंगा। मुझे घर में रुकना चाहिए, बाहर जाना पड़ रहा है। सोचा कि अगर हम बाहर जाके फिल्म नहीं देख सकते, क्यों ना थिएटर कोई घर पे ले आ जाए। मैंने तुम्हारी फेवरेट फिल्म भी निकाल ली। अरे तुम खड़ी क्यों, आओ ना बैठो। कीर्ति, मैंने तय कर लिया कि अब जैसा मेरी स्वीटू चाहती है मैं वैसा ही करूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूंगा। क्यारा को भी मैं ही संभाल लूंगा, जो तुम चाहती हो वही होगा। हम फिल्में देखने जाएंगे, मॉल जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, सब वैसे ही होगा जैसा तुम चाहती हो। बस जो तुमने किया है ना, फिर वैसा मत करना, क्योंकि मैं सच में बहुत डर गया था स्वीटू। कीर्ति तुम ठीक हो ना? राज बोल रहा था कि तुम आज ऑफिस भी नहीं गई, वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, और तुम उसका फोन भी नहीं उठा रही हो। तुम्हारे काम को लेके घर पे कोई दिक्कत है क्या? थोड़ी दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है। हम इसीलिए आज से राज के साथ काम नहीं करेंगे। अचानक से ऐसा क्या हो गया? वरुण जी ने कुछ कहा क्या तुमसे? इनका हम आपसे बाद में बात करते हैं, बाद में सब कुछ बताते हैं, बाय। कीर्ति चलो अब आराम से बैठ के हम फिल्म देखते हैं। देखो हमें कोई तंग नहीं करेगा। ये फोन मेरा मैंने ऑफ कर दिया, हमें अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? और ये देखो तुम्हारी सारी फेवरेट चीजें, पॉपकॉर्न है, चिप्स है, तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक भी है। वरुण जी प्लीज, वरुण जी ये चिप्स, ये पॉपकॉर्न, ये जूस ये आप ही खाइए, हमें नहीं रुकना, हम जा रहे माँ को बोल के मम्मी के घर। कीर्ति नहीं यार, शादी में नहीं आ पाऊंगी, क्या बताए, पुलिस की नौकरी है ही ऐसी, रोज रोज नए नए मुजरिम, नए नए केसेस, यू नो इट जस्ट नेवर एंड्स। हाँ समर तो बिल्कुल ठीक है, और बताओ? इतनी मुश्किल से किस्मत एक और मौका दे रही है, जो रागनी के साथ मीटिंग पक्की हो गई, उसके लिए तैयारी करने के बजाय यहाँ समय बर्बाद हो रहा है, पर कब तक? और बता। मैम, मैम क्या क्या झेलना पड़ेगा तुम्हारी वजह से श्रद्धा? पता नहीं वहाँ पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा होगा, अब सब कुछ अकेले कैसे संभाल रहे होंगे, मुझे साथ भी लेकर नहीं गए। हे भगवान सब ठीक हो। हे भगवान श्रद्धा तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या? तो ऐसे हमारे हाथ में दर्द है, अब क्या सांस लेना भी बंद कर दे हम? हे भगवान लगता है आंखों में कचरा चला गया है, पूरा जल रहा है ये। अब माफ कीजिएगा मम्मी जी, मैं भी अब अकेले तौलिया गीला करके लाती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, तौलिया गीला करके लाते हैं। मम्मी आइए ना, अंदर आइए प्लीज, बैठिए तनुजा जी, बैठिए। तनुजा जी अब कैसी तबीयत है, दर्द में आराम है पहले से? अरे यशमी जी दर्द तो है,
बस जैसे तैसे झेल रहे हैं, लेकिन आज अचानक आप यहाँ कैसे आ गई? वो तनुजा जी, हम श्रद्धा से बस जरा मिलने के लिए आए थे। अरे मम्मी आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। श्रद्धा बहुत दर्द हो रहा है, एक छोटे तौलिए को गर्म पानी में डुबा के लाओ, सिकाई करना जरूरी है, जाओ जल्दी। जी। अरे यशवी जी, हम आपको क्या बताएं कि हमारा बेटा हमारे इलाज के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। अरे शायद हमें लंदन भी जाना पड़े इसके लिए। अब क्यों किया फोन तुमने? अबे मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि वहाँ पर सब ठीक है ना? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। किरण जी ने तो स्पेशल चाय समोसे का भी इंतजाम किया मेरे लिए। अबे आप एक बार मुझे उनसे बात कर लेने देते। क्यों? ताकि आज की दावत भी यही करके आऊँ मैं? कोई जरूरत नहीं है, तुम घर की साफ सफाई करो। रागिनी जी के आने से पहले घर एकदम चकाचक होना चाहिए। इसमें कोई गलती मत करना प्लीज। मैं 2 घंटे से मुझे यहाँ बिठा के रखा है, ना आप मुझसे बात करने के लिए राजी हो रही हैं, और ना ही मुझे बताया जा रहा है कि मुझे यहाँ बुलाया क्यों गया है। लीजिए मम्मी जी। अरे ये तो ठंडा है, इससे थोड़ी सिकाई हो पाएगी। खोलते पानी में डुबा के लाओ तभी सिकाई हो पाएगा, जाओ जल्दी। उतना दर्द है, पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए मैंने अपनी टीम को वारदात की जगह पर भेजा है छानबीन करने के लिए। तब तक पहली रिपोर्ट तैयार हो रही है, साइन करके जाइएगा। मम्मी जी। अरे लाओ हमें दो, हम खुद ही जाएंगे और खुद अपने से सिकाई करेंगे रूम में आराम से। भगवान। मम्मी कैसी तबीयत है आपकी? आपने डॉक्टर को दिखवाया ना, क्या कहा उन्होंने? आपकी खांसी तो बढ़ती चली जा रही है। बेटा हम वही बताने आए थे, वो डॉक्टर ने कहा है कि छोटा सा। श्रद्धा तेल गरम करके ले आओ, बहुत दर्द हो रहा है। जी जाओ बेटा। तनुजा जी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। जरूरत पड़ी तो आपको फिर से बुलाना पड़ेगा। मैम मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, स्कूल में जो कुछ भी हुआ वो बच्चों के बीच की बात थी। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी वर्दी का फायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि सच सामने आ ही जाएगा। और हाँ मैम, आपको शायद मेरी बीवी के बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, पर उसने जो कुछ भी कहा वो एकदम सही था। मेरी बच्ची झूठ नहीं बोलती है, इसलिए आप भी अपने बच्चे को समझा लीजिए। मम्मी हाँ आप कुछ कह रही थी ना। श्रद्धा बेटा हम समझ गए हैं, तुम्हारे ऊपर काम का बोझ कुछ ज्यादा ही है, इसलिए हम चलते हैं। मम्मी अभी तो आई हैं आप, कम से कम 5 मिनट तो बैठिए ना। अरे श्रद्धा कहाँ रह गई तुम, अब क्या मालिश भी हम खुद ही करें? श्रद्धा बेटा तनुजा जी तुम्हारी राह देख रहे हैं, जाओ तुम। मम्मी चल सकती है आप? अंदर से दर दराते हुए आप आ रही थी। हाँ तो हमारा घर है, जैसे मर्जी बाहर आए अंदर जाएं। वैसे आप यहाँ किससे मिलने आई? मैं यहाँ मिस्टर अभय त्रिपाठी से मिलने आई। हाँ वो ये ऊपर वाले मकान पे रहते हैं। हाय मिसेस रागिनी सिंघानिया। मिस्टर अभय त्रिपाठी। हाय हाय
स्वागत है आपका, प्लीज आइए जी। रागनी जी, ये मेरी मम्मी है। नमस्ते। ये मेरी पत्नी श्रद्धा। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी बुआ है, वो मेरी बहन है, और सोनिया से तो आप बात कर चुकी हैं, ये मेरे साथ काम करती है। नमस्ते। रागिनी जी आइए ना, बैठिए प्लीज। और वो लड़की कौन थी नीचे, इतनी जल्दी में थी कि अपनी बहस में उलझ गई। वो अरे ऐसा तो सिर्फ एक ही इंसान है पूरे घर में, हमारी जेठानी की बहू कीर्ति। लीजिए। थैंक यू। वैसे रागिनी जी मानना पड़ेगा, आपको देख के लगता ही नहीं है कि आप लंदन से हैं। हमारा मतलब है आजकल की बिजनेस करने वाली लड़कियां साड़ी कहाँ पहनती हैं। खाना तैयार है? हाँ भाई, मैंने सारी तैयारी कर ली है, मटर पनीर, पूरी, सेवई, सब कुछ बनाया है। क्या श्रद्धा, कभी तो अपना दिमाग लगा लिया करो, वो लंदन में रहती है, देसी खाना थोड़ी ना खाएगी। भाई आप उन्हें एक बार देखिए तो सही, मुझे पूरा यकीन है उन्हें हमारा खाना पसंद आएगा। श्रद्धा तुमने फालतू में मुझसे बहस मत किया करो, तुमसे किसी चीज़ की ना उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। मैं कॉन्टिनेंटल खाना मंगवा लूंगा, वैसे भी आधा काम तो तुम्हारी बहन ने नीचे गेट पे खराब कर दिया मेरा। वो वापस क्यों आई थी? वरुण जी, कीर्ति ऐसे घर छोड़ के तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। छोड़िए, मैं जाने दीजिए। ये तू क्या कर रही है कीर्ति, तू वापस से घर छोड़कर क्यों जाना चाह रही है? हम वरुण जी को तलाक दे रहे हैं और आज इसी वक्त हम घर छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे हैं। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।